हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग दिखा रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं सऊदीया में गेहूं कैसे बोया। देखिए आप लोग, इतना हैवी मशीन है। देखिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, इतना हैवी मशीन है, बहुत हैवी लग रहा है देखने में। देखिए आप लोग कैसे, देखिए देखिए इसमें कितना पाइप लगा है, पाइप लगा है, मट्टी काटने के लिए तवा लगा हुआ है। उसके बाद देखिए अभी जा रहा है, कितना उसमें चक्का लगा है छोटा छोटा। वही जब डिबिलर होता है तो गेहूं को वही चक्का दबाता है ताकि सब गेहूं बाहर निकल के ना आए, इसीलिए उसको पीछे से दबाया जाता है। आज ये अब दिखाता हूँ इसका इंजन कितना बड़ा। बाप रे बाप, ये तो ऐसे लग रहा है कि ट्रक का इंजन है, इतना हैवी ट्रक का इंजन जैसा है इसको पानी चलाने वाला। देखिए कितना हैवी इंजन है, ये शाफ्ट के द्वारा जाता है, यही है बोरिंग जो शाफ्ट के माध्यम से पानी उठाता है, नीचे बोरिंग नीचे शाफ्ट के माध्यम से उठाता है पानी। उसके बाद ऐसे पाइप के रास्ते होते हुए वो जाता है जिसमें पानी चला जाता है। हाँ ये बहुत हैवी मशीन मकीना होता है। ये देखिए आप लोग, ये टंकी है इंजन का, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो इसमें कितना तेल आता है, कितना दिन में उसको भरा जाता है तेल का। ये देखिए यही है पानी चलाने का, आधुनिक टेक्नोलॉजी का ये पानी चलाने वाला है, यही इसी से पानी जाता है पूरे खेत में। देखिए कितना दूर तक दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं फब्बारा, सऊदीया में इसको बोलते हैं रस्सा। देखिए कितना लंबा है, बहुत बड़ा है खेती, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा खेती है। ये देखिए ये पहला है 20,000 लीटर का डीजल टैंक और ये है 15,000 लीटर का डीजल टैंक। एक साल में एक बार भरा जाता है इसको, एक साल में एक बार भरा जाता है। ये देखिए यही हैं नूर भाई जो पूरे मजरे का देख रेख करते हैं, दो आदमी हैं ये लोग, एक हैं दास भाई, अभी हम उनको मिलाएंगे आपसे। ये हैं नूर भाई, ये अपने यूपी के ही हैं, कप्तानगंज के साइड, रामकोला के साइड का। अब देखिए ये है मोटर, आखिर ये रस्सा घूमता कैसे है। देखिए हर चक्के में, हर चक्के में आपको मोटर मिलेगा जो चक्का को घुमाता है, पूरे चक्के को घुमाता है, यही पूरे चक्के को घुमाएगा तभी जाके पूरा गोल, पूरा 360 डिग्री घूमता है ये रस्सा। ये देखिए लगता है ख़राब हो गया था, नूर भाई इसको बदल मतलब सीधा कर रहे हैं, इसको सीधा करेंगे तो उस पर पानी गिरेगा तो फुहारा बन के आएगा। हम आपको आगे दिखाएंगे कैसे पानी फुहारा बनाता है, जी ज़रूर दिखाएंगे आपको। देखिए कितना बड़ा है ये पाइप, नीचे का पाइप है, इसी में पानी आता है, पानी आता है पतला पाइप से फुहारा के जैसा गिरता है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर है बस उसको रोकने के लिए पाइप को। देखिए कितना लंबा है, बहुत बड़ा है, जैसे अपना डीएनए का शेप होता है ना, शरीर का डीएनए का इसी को ऐसे ही रहता है। और इसको देखिए ये है ट्रैक्टर हेंगा मारने का, जो पाटा बोलते हैं हम लोग, पाटा मार रहे हैं ये। ये हैं इनके दूसरे आदमी जो गाड़ी भी चलाते हैं, ड्राइवरिंग करते हैं ट्रैक्टर का, और इसका मतलब काम भी करते हैं। देखिए कितना हैवी हेंगा है, पूरा का पूरा पाइप ही आठ इंच का पाइप ही बांध दिए हैं, लगभग कितना हो कम होगा तो भी लंबाई इसका 6-7 मीटर से कम नहीं होगा। देखिए कितना मजबूत पाइप है, नूर भाई इस पर लटक जा रहे हैं, लटक जा रहे हैं फिर भी मतलब उसमें कोई मुश्किल नहीं हो रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है पाइप में, 60-70 किलो का आदमी लटक जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना बड़ा है, देखिए इसी पे पानी गिरता है, इसी पे पानी गिरेगा, पानी फुहारा के जैसा बन के चारों तरफ जाएगा। देखिए इसी पे पानी गिरता है, फिर पानी गिरेगा।
देखिए कितना पतला पाइप है। ये हैं दोनों आदमी, ये भी दोनों अपने इंडिया के हैं, एक अपने वो मद्रास के हैं साउथ इंडिया का, ये हैं यू नूर भाई अपने यूपी का। दोनों ही बहुत अच्छे से मिलजुल के काम करते हैं, दोनों ही बहुत अच्छा आदमी है लोग। अभी हम नूर भाई को लास्ट में आपको अपडेट दिखाएंगे। देखिए देखिए कितना मोटा पाइप है, लोहा का है पूरा, इसीलिए पूरा बराबर कर रहा है। और ये रहा सऊदीया का ट्रैक्टर, देखिए जेसीबी जैसा बनाया है, सामान वामान ले जाने के लिए, बीया खाद ले जाने के लिए वो जेसीबी जैसा होता है, कहीं जमीन खाल ऊंची भी रहेगा तो उसको बराबर कर देगा। देखिए जेसीबी जैसा है ना, उसमें देखिए खाद डाल रहे हैं लोग, खाद लेके जाएंगे लोग, आखिर में इधर का काम खत्म हो गया। अब एक बार आएगा डिबलर मशीन, उसी में डाल के जितना है उतना रख देंगे, बाकी ले जा रहे हैं दूसरे साइड में। अभी हम आपको बताएंगे ये खेत कितना बड़ा है, सऊदीया में खेत कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। देखिए जहाँ तक नज़र जा रहा है सब खेत का ही है। अब देखिए मशीन नज़दीक से, इसमें दिखाया जाएगा आपको कैसे इसमें गेहूं डालते हैं। देखिए गेहूं का बीज, इसी में गेहूं का बीज देखिए भी ख़त्म हो गया है, इसमें डालेंगे लोग दूसरा बोरी, दूसरा बोरी डाल के देखिए अभी ला रहे हैं लोग, अभी इसमें गेहूं डाला जाएगा। अभी हमको दिखा रहे, देखिए कितना अच्छा गेहूं है, अपने इंडिया के जैसा ही सेम सेम गेहूं है। देखिए कितना अच्छा गेहूं लग रहा है, गेहूं इधर बहुत अच्छा गेहूं होता है, मोटा मोटा गेहूं होता है, अपने इंडिया के जैसा ही सेम सेम होता है। देखिए यहाँ पे बोरी बचाया नहीं जाता है, ऐसे काट के फेंक दिया जाता है। बोरी बचाने लगे तो एक साल में मुमकिन पूरा गाड़ी भर देगा एक आदमी, नहीं बचाता है लोग। देखिए इतना टाइम ही नहीं है उसको बचाने के लिए, ऐसे फाड़ो डाल दो। देखिए कितना पाइप लगा है डिबलर के लिए यहाँ पर, ये डिबलर मशीन है अपने यहाँ जो गेहूँ लगाते हैं, अपने इधर तो छींट के लगाते हैं यूपी इंडिया में यूपी में, और इधर देखिए इसे मशीन से पूरा लगा दिया जाएगा। देखिए अब खाद डाल रहे हैं लोग गेहूँ, डाई डाई, देखिए ये भी बोरा काट के डाल दिए, बोरा काट के डाल दिए, खलास हो गया, खत्म हो गया। देखिए खड़ा खड़ा बोरा उसी में काट के डाल दीजिए, ताकि खोलेगा आदमी, खोलेगा तो इतना टाइम ही नहीं उसके पास, आधा घंटा 10 बोरा डालने में ही लग जाएगा। और इसे काटो, काट के सीधा उसी में डाल दो। वालेकुम। वालेकुम सलाम। और भाई ठीक है? हाँ सब बढ़िया है। ये गेहूं का खेती है पूरा? हाँ सब गेहूं का खेती है। देखिए भाई लोग पूरा दिख रहा है, सब गेहूं का खेती है यहाँ पे। कितना लगभग है? 87 एकड़, 87 एकड़ लगभग खेती है, सब में गेहूं लग रहा है। अगले दिन हम आपको दिखाएंगे बाद में पानी कैसे चलता है, मशीन तो आज दिखाएंगे लेकिन पानी आज बंद है, पानी दिखाएंगे हम आपको जो पाइप पार्ट वन है, पार्ट टू में मिलेगा आपको देखने के लिए। देखिए कितना धूप है, आदमी एकदम सऊदीया में लोग समझते हैं कि जाके उधर पैसा छाप रहा है, लेकिन यहाँ कितना 12 घंटा काम कर रहा है, बिल्कुल खाने का खाओ लग जाओ फिर जाके आदमी पैसा कमाता है। देखिए पूरा जितना है सब दो आदमी मिल के काम करता है, 5 दिन लगेगा केवल गेहूँ डालने में, बीज डालने में। आप लोग मशीन तो देख ही लिए होंगे कैसा मशीन है, गेहूं डालने का, पाइप मारने का, रसास कैसा है। अभी तो ये पार्ट वन बना है, पार्ट टू में आप लोगों को सब मिल जाएगा देखने का।